अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ओलंपियन नरेंद्र सिंह बिष्ट 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उनको बुधवार को नगर निगम के महापौर कार्यालय में महापौर द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश में खेलो इंडिया एक अभियान चलाया है। इसके तहत हर ब्लॉक स्तर पर खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं कि भारत से प्रतिभागी निकले और अपने देश का नाम रोशन करे। उन्होंने बताया कि भारत को खेल जगत में नंबर वन बनाने के लिए भारत सरकार उपाय कर रही है। उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार होंगे और विश्व में एक अपनी अलग पहचान बनाएंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, DO महाराजगंज सुधीर कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ओलंपियन नरेंद्र सिंह बिष्ट और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, साल भी लगा दो, माला ऊपर कर देना है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह बिष्ट, ओलंपियन सर, एक्स आर्मी ऑनरी कैप्टन रिटायर। मैं आज गोरखपुर में आया था अपने खेलो इंडिया स्कीम को तहत। मुझे यहाँ पर नियुक्ति थी मिली थी की गई थी ताकि मैं यहाँ पर अपना खेलो इंडिया के तहत से मैं देख का अपनी कार्रवाई देख सकूँ। और अचानक से बीच में कुछ प्रोग्राम ऐसा हुआ जो महापौर द्वारा सरकार द्वारा मुझे यहाँ पर खेल दिवस अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस में मुझे सम्मानित किया गया और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। और अपने खिलाड़ी को आगे आने वाले भविष्य में भी उनको भी ये चीज़ें ऐसे ही मिलते रहें तो उनको भी आगे प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छा काम करेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा हमारे जो भी हैं अपना स्तर में उनको आज की डेट में हमारे टाइम से और आज की डेट टाइम के हिसाब से काफ़ी फैसिलिटीज मिल रही हैं। हम चाहते हैं कि वो आगे भविष्य में अपना खेल में रुझान और प्रति अच्छा प्रैक्टिस करें, अपनी ट्रेनिंग करें, अपने कोच के प्रति अच्छा लगाव रखें और अपना कंटिन्यूटी प्रैक्टिस बनाते हुए आगे के लिए उन्नति करें और ओलंपिक तक मेडल लें। आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। हम सभी कार्यकर्ता स्थापना दिवस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को भी मना रहे हैं। हम लोगों के बीच एक ओलंपियन नरेंद्र सिंह बिष्ट 1992 में ओलंपिक भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। आज बड़ा ही मुझे हर्ष हो रहा है कि आज हम इनको नगर निगम परिसर में सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें सम्मान देने के लिए हम लोगों के धीरज सिंह हरीश, उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में हैं गणेश कुमार, साथ ही साथ ऋषि मोहन वर्मा उपसभापति और सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी। मुझे अति प्रसन्नता है कि भारत सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पूरे देश में खेलो इंडिया एक अभियान चलाया है। इसके तहत हर ब्लॉक स्तर पर खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं कि भारत से अच्छी प्रतिभा निकले और अपने देश के साथ साथ और भी बाहर के में ओलंपिक में अपना स्थान करें। हमने देखा कि इसके पहले जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और सिल्वर पदक,
ये बहुत ही बड़ी संख्या में पहली बार उन लोगों को मिला था और इसी को भारत को नंबर एक खेल जगत में प्रतिष्ठित करने के लिए भारत सरकार ये सब उपाय कर रही है। हमें उम्मीद है योगी और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में एक उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार होंगे और विश्व में अपनी एक पहचान बनाएंगे। इसी के तहत आज गणेश कुमार राजेश कुमार बिष्ट को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है। 1992 में इन्होंने देश का नेतृत्व ओलंपिक में किया था और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। गोरखपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ।